जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा सदा के लिए बनी रहे और वो जल्दी से करोड़पति बन जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले घर का द्वार आता है, यानी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रवेश द्वार का काफी महत्व होता है। घर में मुख्य दरवाजे के द्वारा ही सभी का आगमन होता है। अगर घर का दरवाजा सही स्थिति में या सही दिशा में होता है तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। और यदि आप उस दरवाजे के पास कुछ विशेष कार्य कर देते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे से यदि उपाय कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि घर में किसी का भी प्रवेश होना हमारे मुख्य दरवाजे पर ही निर्भर होता है, यानी कि हर कोई हमारे घर में हमारे दरवाजे से ही प्रवेश करता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो धन का प्रवेश भी हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। मुख्य दरवाजे पर आप कुछ विशेष कार्य करने के बाद माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुला सकते हैं और माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी रूप में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो शास्त्रों के अनुसार मुख्य दरवाजे का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ इस प्रकार के उपाय बताएंगे कि आप सुबह के समय अपना दरवाजा खोलने के बाद ऐसे क्या काम करें कि आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अपना घर होना सबका एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत भी करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लों का होना चाहिए। जी हाँ, घर का मुख्य दरवाजा दो पल्लों का होना चाहिए, ना कि एक पल्ले का। इसके अलावा घर का मुख्य दरवाजा घर के अन्य दरवाजों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपको मुख्य दरवाजे पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको मुख्य दरवाजे पर करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर दरवाजा खोलते समय कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको करने हैं, और यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है। और यदि आपने इन नियमों को अपना लिया तो अपार धन संपत्ति का मालिक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं या फिर वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर सारे उपाय बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और उसके बाद आप ये उपाय करें। आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको क्या करना है, पूजा वाला लोटा लें और उस लोटे में जल भर के रख लें। तो अगले सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब आप अपने घर की दोनों चौखट पर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दें। यदि आप गंगा जल प्रयोग में लाते हैं और आपके पास गंगा जल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यह काफी शुभ होगा। लेकिन यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप साधारण जल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की पवित्रता बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा दृष्टि होगी। अगला उपाय, जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते समय आप पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और एक चुटकी भर हल्दी डालकर पोछा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी डालकर आप पोछा लगाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह उपाय करते समय आपको केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पोछे के पानी में नमक और हल्दी नहीं डालना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको केवल सादा पानी रखना है और बिना हल्दी नमक डाले आप पोछा लगाएं। यदि आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लग गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने से पहले वहां पर दो बाल्टी पानी डाल दीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों,
आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने से पहले वहां पर 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए और उसके बाद झाड़ू लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करने से यदि किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है तो वह जादू टोना उसी व्यक्ति के पास चला जाता है, यानी कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लगी है, यदि आप झाड़ू लगाने से पहले वहां पर 2 बाल्टी पानी डालते हैं और उसके बाद में झाड़ू लगाते हैं, तो उसका किया धरा, उस व्यक्ति का जो भी जादू टोना है, उसकी जो भी बुरी नजर आपके घर पर लगी है, यह उस व्यक्ति के पास वापस चली जाती है। तो यह भी बहुत आसान सा उपाय है, आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके घर की दरिद्रता खत्म नहीं होती, गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे गणेश जी की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर लगाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की तस्वीर आपको बाहर नहीं लगानी है, बल्कि तस्वीर को अंदर की तरफ ऐसे लगाना है कि गणेश जी की पीठ बाहर की तरफ हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए गणेश जी की तस्वीर जब भी आप अपने घर में लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि गणेश जी का मुख घर के अंदर हो और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ हो। इससे क्या होगा कि दरिद्रता आपके घर के बाहर ही रहेगी, वह कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसे आप अवश्य करें। धन संबंधी समस्या के निवारण हेतु एक और छोटा सा उपाय है दोस्तों, आप बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्ते लें और उन पत्तों से घर के दरवाजे पर लगाने के लिए बंधनवार बनाएं और उसे आप घर के मुख्य द्वार पे लगाएं और इस बंधनवार को आप हर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन बदलते रहें। इस उपाय को करने से आपको 100% धन की प्राप्ति होगी और आप जल्द से जल्द करोड़पति बनेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्थायी निवास होगा, सुख संपत्ति आएगी, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय थे, आप इन उपायों को जरूर करिएगा, इन उपायों से आपको 100% लाभ होगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सा उपाय किया। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।